सरकार के विरोध में जो 13 रोस्टर पॉइंट पे 5 तारीख को एक जोरदार प्रदर्शन सारे देश में हुआ, उसके लिए सभी संगठनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और चाहूँगा कि इसी तरीके से एकजुटता दिखा करके सारे संगठन, सारे पार्टियाँ जो इस मानसिकता जो SC BC माइनॉरिटी के मानसिकता रखती हो, जिनको जिनके इन गरीबों के लिए दर्द है, उन सबको मिल करके एक ऐसा ताकतवर संगठन, एक ताकतवर पार्टी बनानी होगी जिससे एक जोरदार इस देश को परिवर्तन करने के लिए काम किया जा सके। जैसे कि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन इन गद्दारों की वजह से, इन चोरों की वजह से, इस भ्रष्टाचार की वजह से इस देश में इन गरीबों के लिए कुछ नहीं मिल पाता और ये सारा का सारा पूंजीपति के हाथ में चला जाता है। गरीब एक के पास रखने को जगह नहीं है, एक पास 1000 महल हैं, एक बार भूखों मर रहा है, एक के पास बहुत खाने के लिए है। तो इस तरीके से कब तक चलता रहेगा? मैं चाहूँगा कि सारे जितना भी संगठन है, जितनी भी पार्टियां हैं इस सोच की, सब इकट्ठा होकर के एक बार ताकत दिखाएं और इन झूठे मक्कारों को इस देश से भगाया जा सके। जय हिंद। मूल निवासियों से मैं ये भी अपील करना चाहूंगा कि आज देश का लगभग 90% मूल निवासी इन 3% लोगों के सामने कटोरा लेके खड़ा है, शर्म आनी चाहिए ऐसे मूल निवासियों को, जिनको राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक होना चाहिए, वो आज कटोरा लेकर करके सड़कों पर इन 3% लोगों से भीख मांग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, एक गुलामी की जंजीर तोड़ो और कुल राष्ट्रीय संपत्ति और सत्ता पर कब्जा करो। जय मूल निवासी, जय भारत, जय भारत।